दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पहला प्यार जिंदगी में हर एक व्यक्ति के लिए काफी मायने रखता है, लेकिन जहाँ किसी का पहला प्यार मुकम्मल हो जाता है तो किसी का अधूरा ही रह जाता है। और ऐसा ही हुआ है हमारी टीवी इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स के साथ, जिन्हें अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार तो हुआ था, लेकिन उन्हें अपनी किसी मजबूरी की वजह से अपने पहले प्यार को भुलाना पड़ा। आज वही सितारे अपने पहले प्यार को भुलाकर शादी रचा चुके हैं और अपने जीवन साथी के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं चुनिंदा सितारों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने पहले प्यार को भुलाकर आज किसी और से शादी रचा ली है और आज वो टीवी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड कपल्स में शुमार हो चुके हैं। तो देर न करते हुए आइए जल्दी से जान लेते हैं उन्हीं चुनिंदा सितारों के बारे में। नंबर एक, शरद मल्होत्रा। नागिन 5 सीरियल में वीर चील की भूमिका निभाकर फेमस हुए अभिनेता शरद मल्होत्रा का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले शुमार होता है, जिन्हें बनू मैं तेरी दुल्हन के सेट पर अपनी को स्टार दिव्यांका त्रिपाठी से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को 7 सालों तक डेट भी किया था। लेकिन ना जाने 7 सालों बाद दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दिव्यांका त्रिपाठी ने अभिनेता विवेक दहिया से शादी रचा ली, तो वही शरद मल्होत्रा ने रिप्सी भाटिया से शादी रचा ली और इसी तरह से दोनों हो गए अलग अलग और आज दोनों ही अपने जीवन में काफी ज्यादा खुशहाल हैं। नंबर दो, गौहर खान। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 7 की विनर रह चुकी गौहर खान का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शुमार है, जिन्हें किसी कंट्रोवर्शियल शो में कुशाल टंडन के साथ बेशुमार प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों के अफेयर्स की खबरें खूब लाइमलाइट में छाई रहीं। हालांकि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन बाद में अचानक दोनों के बीच ना जाने ऐसा क्या हुआ कि गौहर खान ने साल 2020 में जैद दरबार के साथ निकाह रचा लिया और इस तरह से गौहर खान का पहला प्यार रह गया अधूरा। नंबर तीन, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का शो से मशहूर हुई अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ को पहली बार प्यार हुआ था बिजनेसमैन रौनक मेहता से, जिसके बाद इन्होंने इनके साथ शादी रचाई, लेकिन 2 साल बाद ही इन्होंने रौनक मेहता को तलाक देकर अपने को स्टार प्रेम जी यानी कि शोएब इब्राहिम के साथ शादी रचा ली और इस तरह से अपने पहले प्यार को भुला कर आज ही अपने दूसरे पति यानी शोएब इब्राहिम के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर 4, रूबीना दिलायक। इस बात से तो आप सभी वाकिफ ही हैं कि छोटी बहू सीरियल में काम करने के दौरान ही रूबीना दिलायक को अपने को स्टार अविनाश सचदेवा के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट भी किया था, लेकिन बाद में अभिनेता अविनाश सचदेवा ने इन्हें धोखा दिया और एक्ट्रेस श्यामली देसाई के साथ शादी रचा ली, जिसके बाद अभिनेत्री रूबीना दिलायक ने भी अविनाश सचदेवा को भुलाकर अभिनव शुक्ला के साथ शादी रचाई, वो भी साल 2018 में, और आज ये दोनों ही अपनी अपनी शादियों में काफी ज्यादा खुश हैं। नंबर 5, नील भट्ट। जी हाँ, रामायण सीरियल में काम करने के दौरान ही अभिनेता नील भट्ट को स्टार नेहा सरगम से प्यार हो गया था और सालों तक डेट करने के बाद भी दोनों के बीच में मतभेद हो गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके चलते नील भट्ट काफी टूट गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही इनकी लाइफ में अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा की एंट्री हुई, जो कि इन्हें कहीं और नहीं बल्कि गुम है किसी के प्यार में के सेट पर मिली थी, जहाँ दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। और अच्छी बात तो ये रही कि दोनों ने हाल ही में एंगेजमेंट भी कर ली है और जल्द ही ये दोनों अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इन सितारों में से किसकी जोड़ी उनके पार्टनर्स के साथ बेस्ट लगती है, आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ ऐसे ही मजेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।